हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्लिविस नाटक। तो आज हम बीए प्रोग्राम के सभी स्टूडेंट्स के लिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स से, जिनके पास भी रिफ्लेक्टिव लर्निंग एज अ सब्जेक्ट उन्होंने सिलेक्ट किया है अपने सेक्स सब्जेक्ट में, उनके लिए वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम यूनिट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं, और इससे पहले हमने यूनिट 1 एंड 2 को कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ लेसन का नाम है रिफ्लेक्टिव लर्निंग, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कंटेंट बता दूं, जैसा कि हमारे इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स हैं, हम 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं, थर्ड हम आज कंप्लीट कर लेंगे और लेसन 4 हमारा रह जाएगा रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए। और बहुत सारे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग का हमें हिंदी में भी प्रोवाइड करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पे हिंदी में चिंतनशील शिक्षा करके हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है? तो आप जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन वीडियोस के नोट्स चाहिए एज अ पीडीएफ किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहां पे सभी वीडियोस के नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, जो कि इक्लविस नाटक 1 के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टूल्स फॉर रिफ्लेक्टिव लर्निंग? रिफ्लेक्टिव लर्निंग के टूल्स कौन कौन से होते हैं, हमें उसके बारे में बताना है। तो देखिए, रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक तरह से चिंतनशील लर्निंग कह सकते हैं आप। उसमें आप सोच समझ कर लिखते हैं सारी चीजें, लाइक राइट। सो जर्नल राइटिंग, जर्नल राइटिंग बहुत सारे लोग करते हैं, सब बहुतों को पसंद होता है ये। इसके थ्रू क्या होता है, आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। ब्लॉग्स आजकल बहुत ज्यादा फेमस है। जब स्टार्टिंग में ब्लॉग्स आए थे तो टीचर्स क्या करते थे, अपने अनुभवों वगैरह को लिखकर और स्टूडेंट्स को समझाते थे। बट अब क्या, ब्लॉग्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, लोग अपनी जर्नी इसको लिखते हैं। किसी ने ट्रैवल किया, कोई फूड के ऊपर ब्लॉग बनाता है, राइट? तो ब्लॉग्स के ऊपर बताने की जरूरत नहीं है मुझे आपको, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। सो ब्लॉग्स एक बहुत अच्छा जरिया है रिफ्लेक्टिव लर्निंग का। एक हमारा होता है ऑडियो विजुअल। और कई बार क्या होता है ना, हमने कोई चीज ऑडियो विजुअल, खासकर जब आप देख रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप सीख रहे हैं, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये ऑडियो विजुअल की वजह से हो रहा है। जितनी भी चीजें आप यूट्यूब पर देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये ऑडियो विजुअल है। और ऑडियो विजुअल के थ्रू ना आप बहुत अच्छे से समझते हैं कोई भी चीज जिसको हम देखते हैं और सुनते हैं, तो वो चीज हमें ज्यादा जल्दी याद होती है, राइट? सो इस वजह से ऑडियो विजुअल भी एक बहुत अच्छा टूल माना जाता है रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए। और ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप, तो कई बार कहा जाता है ना आपको भी, कि जब आपके एग्जाम्स आए या वैसे भी आपको ग्रुप से स्टडी करनी चाहिए। तो उसमें क्या होता है ना, अलग अलग लोगों के डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आते हैं, पता चलता है सही गलत, राइट? तो उससे ज्यादा बेनिफिशियल होता है ह्यूमन इंक्वायरी ग्रुप, ठीक है? तो वही चीजें जो है जिसमें लोग आपस में एक ग्रुप बनाते हैं और इंक्वायरी करते हैं। एक्शन रिसर्च, रिसर्च करते हैं और उसपे एक्शन लेते हैं, एक्शन लेके फिर रिसर्च करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पे। पर्सनल डेवलपमेंट प्लानिंग, कई लोग अपने आप को डेवलप करने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो ये भी एक तरह से रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए टूल माना जाता है। एक डायलॉग भी बहुत अच्छे टूल्स होते हैं हमारे रिफ्लेक्टिव लर्निंग के लिए, ठीक है? तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर दी टूल्स फॉर रिफ्लेक्टिंग लर्निंग, तो आप ये पॉइंट्स को अपने लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने ये जो वीडियो हम सीरीज लाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन रहे हैं, जो कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो आप इन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस डायग्राम के थ्रू आप अच्छे से समझेंगे कि किसी भी चीज को हम प्लान करते हैं, लाइक राइट, लुक फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर टू एक्ट थ्रू थॉटफुली। हम किसी चीज को प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं उसके बारे में, ठीक है? फिर उसके ऊपर एक्ट करते हैं। कंडक्ट योर इन्वेस्टिगेशन और इन इंटरवेंशन, ठीक है? उसमें अपना इन्वेस्टिगेशन दीजिए उस पर, और किसी चीज को प्लान किया, ठीक है? और फिर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने के लिए उसका उस पर एक्ट किया, फिर उस चीज को ऑब्जर्व किया कि हो क्या रहा है, क्या हो सकता है, जो भी डाटा है वो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है? हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसपे रिफ्लेक्ट करते हैं कि उसका मतलब क्या निकला और इसके आगे क्या हो सकता है। व्हाट डू यू वॉन्ट टू डू नेक्स्ट, इसके आगे आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव का चार्ट हमें बताता है। पहले हम प्लान करते हैं, एक्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है? और ये भी आपको बता सकता है ये डायग्राम कि कैसे हम पहले किसी भी पर्पस को या डायरेक्शन को एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद उस चीज की जरूरत क्या है, डेवलपमेंट क्या उसका जरूरत क्या है, नीड क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस चीज को डेवलप करने के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो उस प्रॉब्लम को या उस डायरेक्शन को एस्टेब्लिश करने में हमें हेल्प करेंगी।
फिर हम एक प्लान बनाते हैं कि इस चीज को हम पहले ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, पूरा हम एक प्लान स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेट एक्शन प्लान, जो भी आपने प्लान लिया है उसमें हम फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है। फिर अंडरटेक डेवलपमेंट, फिर उसके लिए डेवलपमेंट करते हैं हम, फिर रिकॉर्ड आउटकम्स, फिर हम जब डेवलपमेंट सारी चीजें करते हैं तो फिर आउटकम्स जो निकलते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जो उसको हम रिव्यू करते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं, अगर कोई गलती है तो उसको सुधारते हैं, ठीक है, रिव्यू करके उसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो ये हमें रिफ्लेक्शन का साइकिल जो है वो हमें बताता है, ठीक है। तो आप एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या है, बहुत बच्चे बहुत लोगों को ये आदत होती है डायरी एंट्री लिखने की, राइट। सो डायरी एंट्री बेसिकली इसेंशियली ऑफ राइटिंग दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज बाय अ डेट, जो कि हम डेट के थ्रू ऑर्गेनाइज करते हैं कि आज के दिन क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, तो डेट के थ्रू हम ऑर्गेनाइज करते हैं। द एंट्रीज विद इन योर डायरी आर हाउ यू ऑर्गेनाइज थॉट्स, फीलिंग्स एंड ओपिनियंस यू आर पोरिंग इनटू इट। सो जो भी आपके अंदर थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आते हैं, उन सभी को आप कैसे किसके अंदर अपने थॉट्स वगैरह को लिखते हैं, वो बेसिकली हमारा डायरी एंट्री आता है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म व्हाट आर यू गोइंग टू राइट अबाउट, जो भी जिस भी चीज के बारे में आप लिखने जा रहे हैं उसमें उसके बारे में थोड़ा सा मंथन करिए, चिंतन करना होता है। फिर चिंतन इन द सेंस कि आप थोड़ा सोचते हैं लिखने से पहले किस चीज के बारे में लिखना कैसे है, ठीक है। फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि क्या आज के दिन जब आप, क्योंकि डायरी राइटिंग में हम अपनी एक्सपीरियंसेस को लिखते हैं, राइट। सो हमें क्वेश्चन पूछना होता है कि आज मैंने क्या सीखा और क्या मैं अकम्प्लिश करना चाहता हूँ, और क्या ऐसी चीज है जिसको मैं फिक्स करना चाहता हूँ, मेरी कोई गलती है जिसको मैं ठीक करना चाहता हूँ, तो वो हमारी डायरी एंट्री में आप क्वेश्चन पूछिए। और फिर एक आपको फॉर्मेट पिक करना होता है किसी भी डायरी एंट्री के लिए लिखने के लिए, कैन बी इन ऑल डिफरेंट टाइप, बिकॉज सबका अपना अपना तरीका होता है लिखने का, तो आपको भी एक प्लान फॉर्मेट जो है वो पिक करना पड़ेगा डायरी एंट्री का, ठीक है। कीप योर थॉट्स इन ऑर्डर, ऐसा ना हो कि मतलब आपने कुछ भी खिचड़ी बना रखी है, थोड़ा सा ऑर्डर में लिखिए, पहले एक और एक थॉट लिखा, फिर नेक्स्ट थॉट लिखा, तो इस तरीके से डायरी एंट्री जो है बेसिकली लिखनी चाहिए। और डायरी एंट्री बेसिकली डेट वाइज ऑर्गेनाइज करी जाती है, जिसमें आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को लिखते हैं, राइट, ओपिनियंस को लिखते हैं। तो यहाँ पे ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर मैं आपको कुछ भी चीज जो है समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे इनसे पहले वाली वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, और हमारी जो हिंदी की वीडियोस हैं उनको भी आप जाकर देख सकते हैं, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।